नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है, सभी क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेक्टिक टाइम है और इस समय बहुत सी उनको चिंताएं बनी रहती है, बहुत सारी फिक्र रहती है और किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहीं से इंपॉर्टेंट मिल जाए, इसकी जुगाड़ में वो लगे रहते हैं। लेकिन अंत में आपको पढ़ना ही पड़ता है ना, जुगाड़ तो होती नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी उपाय बता रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप बहुत कम पढ़ के, बहुत कम मतलब मात्र ओनली 2 यूनिट पढ़ के, केवल 2 यूनिट पढ़ के भी आप मैथमेटिक के पेपर को पास कर सकते हो। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं की है या जिनको मैथ से बहुत ही प्रॉब्लम है, यानी मैथ जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है या किसी भी तरह से वो पास होना चाहते हैं। खासकर उन लोग के लिए वीडियो है जो बहुत अच्छे मैथ में है, वो ना भी देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन उन बच्चों को जरूर देखना चाहिए जो एवरेज और बिलो एवरेज के बच्चे हैं, उनको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है। मैं एक ऐसी आपको तरकीब बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप केवल 2 यूनिट पढ़ के अपने मैथ के एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर सकते हो और मुझे लगता है कि इन 10-12 दिन में आप 2 यूनिट तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी वो 2 यूनिट आपको चूज करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेंथ के बारे में बता रहा हूँ कि टेंथ के मैथ के पेपर में कौन सी 2 यूनिट पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो CBSE द्वारा दिए गए जो ब्रेकअप है, यानी कि कौन सी यूनिट वाइज कितने कितने नंबर के कौन कौन सी यूनिट आ रही, वो दे रखा है। या नंबर सिस्टम दे रखा है, फिर आपका एलजेब्रा है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, ये 7 यूनिट है। इन 7 यूनिट में से मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कौन सी यूनिट, पहली यूनिट तो आप चूज़ करिए एलजेब्रा, यानी कि यूनिट नंबर 2, क्योंकि ये कितने मार्क्स की आ रही है, 20 मार्क्स की आ रही है। इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप एक तो चूज़ करना है आपको एलजेब्रा, और जो दूसरी यूनिट है वो आपको चूज़ करनी है यूनिट नंबर सेवन, यूनिट नंबर 7 को आपको चूज़ करनी है, जिसका नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इनमें चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं वो और आपको बता देता हूँ। जैसे आप एलजेब्रा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 जिसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर आपको चैप्टर नंबर 4 मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 में है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 5 जिसमें है AP। ये 4 चैप्टर रहेंगे चैप्टर एलजेब्रा यूनिट में। तो इन चारों चैप्टर को अगर पढ़ते हो तो आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 में स्टैटिक्स है और चैप्टर नंबर 15 में प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने जो 6 चैप्टर दिए, यानी 2 यूनिट आपको जो दिए, वो चारों छहों चैप्टर जो है वो बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें फार्मूले भी कम है, ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं, जैसे आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं, मेंसुरेशन में बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं, और ऐसे फार्मूले जो आपको कन्फ्यूज भी करते हैं। तो फार्मूले का कोई फंडा ही नहीं है, ज़्यादा फार्मूले इसमें है ही नहीं। जैसे आप चैप्टर नंबर 2 में जाओगे तो मुश्किल से 1 या 2 फार्मूले लगेंगे, चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो केवल 3 मेथड है जिसके थ्रू आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो वहाँ पे ओनली 2 मेथड है, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली मेथड है और दूसरी जाओगे तो फार्मूला मेथड है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। और इसी तरह से जो 5th चैप्टर, उसमें जो बड़ा पार्ट है वो तो हट ही गया है, यानी कि जो सम ऑफ एन टर्म्स वाला है वो तो आपका डिलीट हो गया है, तो बहुत कम बचे हैं, यानी कि ओनली 5.1, 5.2 और 5.3 का कुछ पार्ट, इतना सा बचा है। इतने में अगर आप चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और साथ में जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें भी एक जो क्वेश्चन है जो उसमें अपने को डायग्राम बना रहता वो हट गया है, यानी कि ओनली आपको 14.1 और 14.2 ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, 15 भी छोटा सा चैप्टर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टेंथ में बहुत आसानी से पास हो सकते हो तो इन चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। अब देखिए, ये है 20 मार्क्स का और ये है आपका 11 मार्क्स का। अगर 20 और 11 को ऐड करते हैं तो 31 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 20 मार्क्स इंटरनल के हैं, तो 20 मार्क्स में से आप कितने भी खराब बच्चे होंगे तो आपको आपके स्कूल वाले 10 मार्क्स तो देंगे ही देंगे, 100%, 10 से ज़्यादा ही देंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 15 मार्क्स तो सभी बच्चों को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन आपके बहुत ही रेपुटेशन ख़राब है, आप बहुत बेकार बच्चे भी अगर मान लो क्लास के हैं तो भी आपको 10 मार्क्स तो मिलना ही है, तो 10 वो और 31 ये, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके 41 मार्क्स आ जाते हैं। 41 मार्क्स में आपको चाहिए कितने, ओनली 33 चाहिए और आपके 41 मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो।
चाहे तो आप इसमें से कोई एक चैप्टर हटा भी सकते हो। अगर आप मान लो आपको 6 चैप्टर ज़्यादा लग रहे हैं तो एक चैप्टर और कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 आपको खतरनाक लग रहा है या टफ लग रहा है तो आप चैप्टर नंबर 5 को हटा दीजिए, तो भी आप इन 5 चैप्टर से भी आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 और 4 है वो 7-7 मार्क्स के हैं, है ना। तो आप चाहते तो चैप्टर नंबर 5 को कम कर सकते हो या चैप्टर नंबर 2 को भी कम कर सकते हो। इनमें से कोई एक भी कम करके यानी 5 चैप्टर पढ़ के भी आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो क्लास 10th के मैथमेटिक एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हुई 10th क्लास के बच्चों के लिए बात। अब मैं आपको 12th क्लास के जो मैथमेटिक के बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, और वो वहाँ पर यह भी बताऊँगा कि कौन से आपको यूनिट पढ़ना है और उस पर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 12th क्लास के लिए। तो ये CBSE द्वारा दिया गया जो ब्रेकअप है यानी यूनिट वाइज नंबर है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा एलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस, देन वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ये आपके 6 यूनिट्स हैं, इनमें से आपको कौन सी पढ़नी है? तो देखो, सबसे पहले आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 3 जिसको बोलते हैं कैलकुलस। ये कैलकुलस कितने मार्क्स की आ रही है? 35 मार्क्स की आ रही है। एक ही यूनिट में आपका काम हो रहा है। अगर आप एक यूनिट भी पढ़ते हैं तो भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 कैलकुलस, एक तो ये पढ़ना आपको। और दूसरी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4, वो है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ये आपकी आ रही है 14 मार्क्स की। तो 35 और 14 को अगर हम ऐड करते हैं तो 49 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 49 मार्क्स जो है इसमें भी आपको मालूम है कि 20 मार्क्स जो है इंटरनल वाले हैं, 20 मार्क्स इसके इंटरनल वाले, पहले इसको हटा भी देते, चलो हमने इसको हटा दिए, तो भी आपके 49 मार्क्स होते हैं। और आपको 80 में से अगर चाहिए तो ओनली 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और 49 नंबर के क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलस में चैप्टर कौन कौन से आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 तो 5 जिसको हम कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी बोलते हैं। इसका चैप्टर नंबर जो 6 है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर चैप्टर नंबर 7 जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और चैप्टर नंबर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर इसके अंदर है। और जब वेक्टर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक तो मिलेगा वेक्टर्स और एक मिलेगा 3D ज्योमेट्री। तो कुल मिला के आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 7 चैप्टर पढ़ना है आउट ऑफ 20 चैप्टर, यानी कि 13 चैप्टर जो है टोटल CBSE में 13 चैप्टर है। तो उस 13 चैप्टर में से आपको केवल 7 चैप्टर पढ़ना है, जो कि लगभग आधा यानी 50% है। तो इस 50% को पढ़ के भी आप 100% नंबर ला सकते हो। 100% मतलब आप पास होने के लिए 100% पास हो सकते हो। तो इन चैप्टर्स को पढ़ लिए, चाहे तो आप इसमें से एक चैप्टर कोई कम करना है तो आप कम कर सकते हो, यानी कि आप 6 चैप्टर पढ़ के भी आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो। तो ये एक छोटी सी तरकीब थी जिसके थ्रू वो बच्चे जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए या वो बच्चे जिनको मैथ्स में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये तरकीब बहुत ही अच्छी है, इसको यूज़ कीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप इतने समय में सब कुछ पढ़ के पास नहीं हो सकते। अगर आप चाहें कि पूरे में 13 चैप्टर पढ़ लूँ, या 10th वाले चाहे कि सोच रहे हैं कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूँ और अच्छे मार्क्स ले आऊँ, तो अच्छे मार्क्स तो छोड़िए आप पास भी नहीं हो पाओगे। इसलिए आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। अगर इस तरकीब से आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप पास हो सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मित्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए क्या। जय हिंद।